नमस्ते, यादव किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे ठंडाई, लिक्विड ठंडाई बनाएंगे हम। उसके लिए सारी चीजें ली है मैंने। ये बादाम है, एक कटोरी बादाम है, उसमें ये एक बड़ा चम्मच पिस्ता, एक बड़ा चम्मच काजू, ये 25-30 ग्राम के करीबन सौंफ, ये काली मिर्च और सफेद मिर्च ली है मैंने। सफेद मिर्चें आंखों के लिए अच्छी होती हैं और ठंडाई सभी पीते हैं, तो इसलिए डाली है। और काली मिर्च से ठंडाई का टेस्ट अच्छा होता है, इसलिए लिए है। ये एक चम्मच है बड़ा। ये खरबूजे के बीज लिए मैंने, ये दो बड़े चम्मच हैं। ये पॉपी सीड्स हैं, ये भी एक बड़ा चम्मच है। ये इलायची है, ये 10 इलायची की हैं ये। अब इन सबको हम अच्छी तरीके से धोकर, सारी चीजों को धोकर, पॉपी सीड को छोड़ कर इसको अलग हम भिगो लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होती है, ये सारी निकल जाएगी छलनी में से, इसलिए इसको आप अलग से भिगोएं। इन सारी चीजों को हम इकट्ठा भिगो देंगे। अब इसमें ये खरबूजे के बीज डाल देंगे, ये काली मिर्च और सफेद मिर्च जो हमने लिए, ये सौंफ और ये इलायची, ये सारी चीज डालकर, इलायची इन्हें अच्छे से धोकर हम इनको भिगो देंगे। पहले मैं इनको धो लूंगी अच्छे साफ से, फिर साफ पानी में इनको भिगो के हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद हम इसकी ठंडाई बनाएंगे। ये हमने सारे नट्स वगैरह दो अच्छे तरह धोकर फिर इनको भिगो दिया था। अब पौना घंटा हो गया इन्हें, ये देखिए अच्छे तरीके से फूल गए हैं। अब इनको हम पानी निकाल के पीस लेंगे। अब ये पॉपी सीड जो हमने अलग से भिगोए थे उन्हें भी मिक्स कर लेते हैं और इन सबको हम बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। हम इनको सबको मिक्सी में पीस लेंगे अच्छे तरीके से, मिक्सी के जार में डाल लेते हैं। बिल्कुल बारीक पीसना है। थोड़ा थोड़ा करके पीस लेंगे। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, सूखी नहीं पीसी, ये इसी का पॉपी सीड्स का पानी है जो हमने साफ बिल्कुल भरा था, इसको पीस लेंगे आराम से। ये देखिए बिल्कुल बारीक पिस गया है, इसमें कोई दाना नहीं है। अब हम इस बाकी को भी पीस लेंगे। इसमें मसाला पीस लिया है, बादाम वगैरह सब कुछ, और बिल्कुल ही बारीक है, इसमें कोई दाना नहीं है, हमें ऐसे ही चाहिए। अब हम इसको चाशनी में पकाएंगे। उसके लिए ये मैंने 350 ग्राम चीनी ली है, 350 ग्राम चीनी ली है मैंने। अब इसको हम चाशनी बनाएंगे इसकी। ये हम चीनी इसमें डाल रहे हैं, इसमें हम 125 ग्राम पानी डालेंगे ml, इतना ही पानी डालेंगे हम, ये चीनी भीग जाए। और इसको चीनी के मेल्ट होने तक पकाएंगे हम। ये चीनी में हमने पानी डाला और इसके साथ ही मैं ये केसर डाल रही हूँ। ये हम केसरिया ठंडाई बना रहे हैं और इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि चीनी के साथ साथ ये भी पक जाए, इसका कलर आ जाएगा।
चला दें चीनी को ताकि लगे ना ही। ये देखिए हमारी चीनी घुल गई है, अभी थोड़ी सी रह गई है तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। चीनी के थोड़े से दाने हैं, अभी थोड़ा सा और पकाएंगे इसे 2 मिनट के लिए। हमें चीनी मेल्ट होने तक पकाना है इसको, फिर इसमें हम ये पेस्ट डालेंगे। फिर चीनी सारी मेल्ट हो गई है, इसमें ही पेस्ट डालेंगे हम सारा। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिला लेंगे ताकि गुठलियां सारी इसकी मिट जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको चलाते रहेंगे हम, नहीं तो ये लग जाएगी नीचे। इसको हमें 15-20 मिनट पकाना है। ये देखिए हमारी ठंडाई ठीक होने लगी है। इसको अच्छे से पकाना है और बर्तन को थोड़ा बढ़ा ही लेना है। जैसे जैसे ये थोड़ा सा और ठीक होएगी, गाढ़ी होएगी, तो ये छींटें मारने लगेगी। ये देखिए अभी तो इसके लिए ये देखिए ऐसे उछलने लगेगी। तो आप इस पे एक लिड लेकर इसको ऐसे करके ढक लें, ऊपर से पकड़ लें इसको। और चलाते रहे, नहीं तो अब इसका लगने का भी डर है नीचे, क्योंकि ये अभी ठीक हो गई है। थोड़ा सिम कर, गैस को थोड़ा धीरे कर लें। ये देखिए छींटे लगने लग जाते हैं, तो इसको थोड़ा कवर कर लें। अब ये गाढ़ी हो गई है, अब हम गैस बंद कर देंगे इसको। ये देखिए गैस बंद कर देती हूँ मैं। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए अब। अभी आपको ये पतली लग रही है, लेकिन थोड़ी जैसे जैसे ठंडी होगी थोड़ी और ठीक हो जाएगी। इसको हम थोड़ा ठंडा होने पे इसको बोतल में भर के रख लेंगे। ये ठंडाई जो हमने बनाई है, ये देखिए कितनी ठीक हो गई। अब जैसे ठंडी होती जाएगी, अभी नॉर्मल हुई है और इतनी ठीक हो गई है। इसमें बादाम वादाम जो हम डालते हैं उसके छिलके, सौंफ वगैरह के छिलके आ जाते हैं, तो बच्चे उसे पसंद नहीं करते, इसलिए हम इसे छान लेते हैं। पॉपी सीड्स वगैरह सब चीजें हैं। अब हम इसको अच्छे से छान लेते हैं। और ये देखिए छिलके वगैरह जो है ये निकल गए हैं। अब इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको भी हम शाम को जब दूध बनाऊंगी तो उसमें ये अच्छे से उबाल लूंगी। और ये देखिए ये हमारी ठंडाई, अब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है,
जो गले में लगे या मुंह में आएगा तो बच्चे आराम से पी लेंगे। सारे हमारे नट्स वगैरह इसमें, अब इसको मैं बोतल में डाल लूंगी। ये देखिए हमारी ठंडाई तैयार हो गई है, ये पूरी 1 लीटर बन गई है। अब मैं यही ठंडाई आपको बना के दिखाती हूँ। ये 3-4 चम्मच ठंडाई डलेगी इसमें। मैं बर्फ डाल रही हूँ, अगर दूध दूध बिल्कुल चिड़ला है तो बर्फ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ठंडाई बिल्कुल ठंडी ठंडी ही अच्छी लगती है। मिक्स कर देंगे। ये देखिए हमारी ठंडाई बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे। और थोड़े से बादाम के फ्लेक्स डाल देंगे। ये हमारी ठंडाई तैयार है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।